हेलो भाई, मैं उंडोवार। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जीप कंपस का टॉप वेरिएंट। ये कार अगर 2-3 लाख रुपए सस्ती होती तो बहुत वैल्यू फॉर मनी होती, क्योंकि ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जो इस शेप में आपको देती है इसका ऑप्शन। ये है भाई आपकी 4x4। इससे ऊपर जाओगे तो फिर वही फॉर्च्यूनर बची आज की तारीख में, और उसके लिए फिर आप 45 लाख दो, 52 लाख दो लेजेंडर 4x4 के लिए, वो वर्थ नहीं लगता है। खैर है तो इसके साथ भी, ये डीजल वाली है, टॉप वेरिएंट है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता है जीप कंपस में। तो जो भी जीप दे सकता था इंडिया में हाईएस्ट पॉसिबल फीचर्स, वो उन्होंने अपने इस मॉडल एस में दिए हैं। अभी बहुत लोग स्पोर्ट समझने की इसको गलती करते हैं कि एस से मतलब स्पोर्ट होगा, भाई स्पोर्ट इनका बेस वेरिएंट है, ये सबसे टॉप वेरिएंट है जिसका नाम है मॉडल एस। अभी जो ये वाला उन्होंने उतारा था ना, इसमें इतने सारे फीचर्स दिए हैं। यहाँ पे रियर डिफरेंशियल अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए आपको पूरा यहाँ पे मिल जाता है इसका, मतलब अभी इनकी केवल यही गाड़ी है जो बिकती है, थोड़ी सी 30-35 शोरूम से निकल जाती है हर महीने, मतलब एक गाड़ी पर डे की आप मान लो, तो उसमें तो देखो इनको बेच देना था। लिमिटेड से अगर आप कंपेयर करते हैं तो इसमें अलग तरीके की लाइट आती है जो कि बहुत ही ब्राइट है। वैसे अगर आप लिमिटेड की लाइट देखोगे तो ये भी कोई बेकार नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी बात करते हो तो इसमें आपको अलग तरीके की लाइट के साथ बहुत मस्त वाली ये रोशनी प्रदान करती है। बाकी यहाँ पे आपको मिलती है इसकी 7-स्लॉट ग्रिल। ये ब्लैक कलर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको ये पूरी ब्लैक मिलती है। जीप का लोगो भी आपको यहाँ पे ब्लैक दिया है, ये मैट में है। यहाँ पे आप देखोगे मॉडल एस में आपको यहाँ पे कैमरा भी दिया जाता है। इसके ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करते हो तो 178mm आपको मिलता है, और यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके फॉग लैंप्स भी, जो कि वार्निंग लैंप्स का भी फंक्शन करते हैं। अगर आप हिल्स वगैरह पे जाते हो तो स्टेयरिंग एक साइड करते हो तो जल जाते हैं अगर आपके फॉग लैंप्स ऑफ रहेंगे तब। ये ओवरऑल इसकी साइड लुक है, ये देखिए। अगर आप अलॉय व्हील्स की बात करते हो तो इसमें वही 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स आते हैं, मतलब लिमिटेड वेरिएंट अगर आप देखते हो तो सेम टू सेम आपको मिलते हैं। इसमें आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं इस ब्रेक के साथ। यहाँ पे कंपास की बेजिंग आपको मिलती है, रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पे भी दिया जाता है। प्लस मॉडल एस में जो एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है ना, वो फ्रंट का कैमरे के साथ साथ यहाँ पे नीचे भी कैमरा इसमें दिया जाता है, तो इधर उधर भी कैमरे दिए जाते हैं। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक दी जाती है, डीजल में आती है 4x4। बैक से अगर बात करते हो जीप का, ये भी मैट में मिलता है, वाइपर मिलता है, डिफोगर मिलता है, और इसमें ये वाली जो की है इससे एक फीचर इसमें आता है कि आप इसको दबाओगे ना तो देखिए अपने आप जो आपकी बूट है वो खुल जाती है। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिलती है, यहाँ पे आपको मिलता है इसका बूट स्पेस कितने लीटर्स का आपकी स्क्रीन पे है। लिमिटेड वेरियंट जिसमें ऐड हो जाता है, इसमें एक बूफर भी एक्स्ट्रा आपको मिलता है। तो इसके जो स्पीकर्स हैं वो लिमिटेड वाले से कई गुना बेहतर हैं, उसमें एल्पाइन के आते हैं। बाकी आपको एक और मैजिक दिखाता हूँ, ये देखिए इसकी की, जैसे ही मैं इसका दबाऊंगा दो बार, ये देखिए क्या होता है इसका मैजिक। ये देखो आपकी जीप कंपास का जो टेल गेट अपने आप ओपन हो जाता है। इसको हम जैसे ही उठाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है इसका स्टील रिम देती है ये वाली कंपनी, और आपको 17 इंच का देती है, मतलब एक साइज कम है। चलो कोई नहीं, इतना तो चल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बंद करो या फिर और रहने दे, रहने देखना ये, और देखना ऐसे नीचे आ रहा है, मैं इसको ऐसे कहूँगा कि तू मत जा। अरे हाँ गया गया ना वापसी ऊपर, तो मैं इसको की से भी दोबारा से ऐसे बंद कर सकता हूँ, देखना। ये देखो दो बार दबाऊँगा तो बंद भी हो जाएगा। वाओ व्हाट अ फीचर। प्लस जो इसके वाइपर्स हैं, हेडलाइट्स हैं, दोनों ऑटोमेटिक हैं, जैसे ही रात होगी तो ये जल जाएंगे, जैसे ही बारिश आएगी तो वो जल जाएंगे। और इसका सेंसर अगर आपको देखना है तो वो यहाँ पे मिलता है, इसका सेंसर आपको पैसेंजर साइड भी दिया गया। और ये ब्लैक है तो देखिए आप, यहाँ पे क्रोम आपको नहीं मिलता है, पूरी पूरी ब्लैक मिलती है। यहाँ पे शार्प एंटीना आता है, इसमें सनरूफ आते हैं अच्छी बड़ी, यहाँ पे आपको इसके मिल जाते हैं रूफ रेल्स भी। ऐसी साइड से कार ब्लैक कलर में बहुत मस्त लगती है, लेकिन फिर वही है कि मेंटेनेंस बहुत तगड़ा वाला मांगेगी ये। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, तो अंदर चलते हैं कार के। और इसमें पता है क्या फीचर है, गाड़ी अगर मैं लॉक कर दूंगा ना, उसे हाथ डालूंगा तो अनलॉक हो जाएगी ऐसे करके। इंटीरियर दिखाने से पहले मैं आपको की दिखाऊंगा इसकी, देखिए की आपको देखिए इस तरीके की मिलती है। अंदर बैठ के बात करते हैं, और शोरूम में इनकी बुराई करूंगा तो मज़ा नहीं आएगा भाई, मतलब ये लोग कहेंगे कि हमारी गाड़ी की वीडियो बना रहे हो और हमारी बुराई कर रहे हो, क्योंकि भाई ये बुराई डिजर्व करती है यार इस चीज़ में, तो पता है क्यों। एक मिनट इसको म्यूट करता हूँ। यार बताओ इतनी बढ़िया गाड़ी में ऐसी की कौन देता है भाई, जीप का लोगो है यहाँ पे, केवल 3 बटन कुल्ली यार। अच्छा अगर बटन, चलो बटन फिर भी ठीक है, थोड़ा प्रीमियम तो दे सकते हो, बाहरी कंट्रीज में ना यहाँ पे बटन आते हैं, तो इन्होंने वही किए, यहाँ पे भी फॉरवर्ड कर रखी है, यहाँ पे केवल लॉक का बटन अनलॉक, और इसको दबाओगे तो आपका बूट भी रिलीज हो जाता है, बस ये वाली चीज है। तो सबसे बड़ा जो आपको डिफरेंस नजर आएगा वो नजर आएगा इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, यहाँ पे पूरा का पूरा ना डिजिटल हो जाता है। ये जैसा कि डीजल है तो यहाँ पे आप देखिए 6000 तक यहाँ पे आपको मिलता है आरपीएम,
यहाँ पे आपको डिजिटल ही पता चलती है आपकी स्पीड। अच्छा अगर आप लिमिटेड वाले की बात करते हो ना, उसमें एनालॉग आता है आपका टैकोमीटर और स्पीडोमीटर, उसमें ना भाई बस डिजिटल स्क्रीन आपको 20 में मिलती है, इसमें पूरी की पूरी आपको डिजिटल मिल रही है। पर यार देखने में वो अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों है लिमिटेड वाली, मतलब ये छोटी छोटी सी ज्यादा है। प्लस अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो, एवरेज वगैरह पता लगानी हो, या फिर यहाँ पे ये भी पता चलता है इसमें एक्स्ट्रा ऑटोमेटिक, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे पता चलती है अपना FM वगैरह। पर्सनली बताऊं भाई लिमिटेड वाली जो ये है ना वो ज्यादा अच्छी लगती है, बड़ी बड़ी सी नजर आती है इस गाड़ी के हिसाब से, ये थोड़ी सी अंदर की तरफ ज्यादा है प्लस छोटी है यार, मतलब ये डायस देखो कितने छोटे नजर आ रहे हैं। प्लस एक्सयूवी भी नहीं है कि आप इनको अलग तरीके से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सको। खैर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को अलग तरीके का फोन उठाने का मिलता है, काटने का मिलता है, और ये आपको बटन मिलता है जहाँ पे आप टायर प्रेशर और काफी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये भी आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, बैटरी का वोल्टेज आपको बताएगा, बाहर का टेम्परेचर क्या है, और भी काफी इन्फॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हो। ये देखो यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ वैसे इनको ना, यहाँ पे देखिए अलग तरीके से आपको पता चलता रहता है, यहाँ से आप बाकी इन्फॉर्मेशन चेंज कर दोगे अगर आपको बाकी जैसे जो भी इसमें देखना वो यहाँ से आपको दिखेगा। ये देखिए ओरे हो तो जाते हैं वॉइस में कितने मस्त लग रहे हैं ये, पर एक्सयूवी की होड़ नहीं हो सकती भाई, उसके ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। यहाँ पे 240 तक मार्किंग है, और ये कार ऐसी है भाई जीप की कंपास, मतलब ये 200 तक 220 तक भी ऐसे स्टेबल रहते हैं ना, हाईवे पता भी नहीं चलता कि भाई गाड़ी 200-220 चल भी रही है, क्योंकि कर्व वेट इसका करीबन 1800 किलो के लगभग है, और जो पावरफुल इंजन इसमें लगाया गया है ना 170 bhp वाला, एकदम मस्त कॉम्बिनेशन बनता है गाड़ी को, फुल मजा आता है ड्राइव करने में। यहाँ पे आपको भी लेदर स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, तो खैर उसमें मिल जाता है अपना लिमिटेड वाले वेरिएंट में। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल भी इसमें आता है। सबसे बड़ी दिक्कत इस लिमिटेड वाले वेरिएंट की भाई बस यही है कि 28 लाख रुपए का तो ये भी पड़ जाता है, इसमें आपको क्रूज कंट्रोल तक नहीं मिलता है। अगर आपको क्रूज कंट्रोल चाहिए तो आपको ऑटोमेटिक लेना पड़ेगा, मतलब इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में भी जो एक क्रूज कंट्रोल नहीं देते हैं ना, तो ये रीजन है जो इनके 35-40 गाड़ी बिक के रह जाती है ना बस, वरना अगर क्रूज कंट्रोल 3000 रुपए का फीचर है मात्र फिर भी नहीं देते, बताओ यार। यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके ये वॉल्यूम कंट्रोल, यहाँ पे नीचे देख रहे हो ना आप, यहाँ पे अप डाउन पॉज वोज करने का यहाँ पे, और नेक्स्ट प्रीवियस करने का यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे नीचे तरफ, और भाई ये इतने प्रैक्टिकल हैं ये बटन्स बहुत ज्यादा, मतलब मजा आता है इनको जब हम यूज करते हैं ना, तो ऐसे जब नया बंदा आपकी कार में बैठेगा तो वो कहेगा यार इस इतनी महंगी गाड़ी में स्टीयरिंग माउंट के कंट्रोल्स भी नहीं है, मतलब हमको यहीं से कंट्रोल करने पड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पीछे से होते हैं ना तो बहुत प्रीमियम लगते हैं। वैसे में ऑटोमेटिक आपको वाइपर्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक इसके अंदर आपको लाइट्स मिलती हैं टॉप ब्रांड में, यहाँ पे फॉग लैंप रियर का और अपना फ्रंट का आप जला सकते हो। यहाँ पे आपको मेमोरी सीट्स भी मिल जाती हैं, देखिए एक नंबर दो नंबर जो आपको करना है सिलेक्ट वो आप कर सकते हो, और जैसे यहाँ पे मैंने ये दबाया तो यहाँ पे मेमोरी वन प्रोफाइल रिकॉल करके आ जाता है, और ये डायल्स आपके छोटे हो जाते हैं। हम देखिए दो दबा दूंगा तो ये देखिए अब ये उठने लग गई अपने आप, क्योंकि इसके अंदर ना हो जा भाई तो पहले हो जा, कितनी ऊपर उठा रखी है पता नहीं किसी ने ये। यहाँ पे चारों पावर विंडो मिलती है, और एम कंट्रोल मिलते हैं, लोक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हो, और इस ये जो अपनी सीट है ना इसको आप ऐसे यहाँ से आगे पीछे कर सकते हो आराम से, यहाँ पे पूरे कंट्रोल इसके आते हैं, देखिए आगे पीछे ऊपर नीचे जैसा आपको करना है। और जो इसके स्पीकर्स हैं ना जो मैं आपको बता रहा था वो आपको Alpine के साउंड 3D सिस्टम मिलते हैं, तो उसमें 6 स्पीकर सिस्टम आते हैं, इसमें 9 स्पीकर सिस्टम है। रियर व्यू कैमरा आता है, क्वालिटी तो बढ़िया है, इतना बड़ा आता है, इसमें जूम भी कर सकते हो बताओ, और इसमें अपना सराउंड कैमरा भी आता है, मतलब आगे का भी देख रहे हो आप और साइड्स का भी आपको दिख रहा है, तो 360 डिग्री। तो देखो फ्रंट का जो कैमरा है यार, अक्सर फ्रंट के कैमरे की क्वालिटी अच्छी होती नहीं है, लेकिन जीप वालों की ये अच्छी है, ये वाला फीचर उसमें तो नहीं है लिमिटेड में। तो जैसे अपने को वाराणसी जाना है तो यहाँ पे ड्राइव कम करेंगे, तो अब ये ढूंढ रही है, यहाँ से हम ना इसकी वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं, देखो ये वाला जो नॉब दे रखा है यहाँ से, टॉप मॉडल लगता तो है इसका मस्त कैमरा वैमरा, और यहाँ पे ये अलग तरीके की फिनिश आती है। अच्छा जैसा कि ब्लैक कलर की कार है ना मॉडल एस, तो इसमें पूरा का पूरा ब्लैक आता है, देखो सीट पूरी ब्लैक है, ये पूरा ब्लैक है, ये भी पूरा ब्लैक है, अगर आप लिमिटेड लेते हो तो उसमें थोड़ा ब्राउन कलर का आता है और व्हाइट कलर की सीट्स आती है, मतलब क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, प्लस रिस्पॉन्सिव है, हैंग वैंग नहीं करता है तो, और इसमें वायरलेसली आप एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो भी चला सकते हो, बस पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने का भी यहाँ से कर सकते हो, ऑटो ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है। सबसे मेन चीज़ जो है ना, चलो ये भी एसी का भी होगा, एसी का भी आपको पता ही है, ऑटोमेटिक एसी आता है, डुअल जोन एसी आता है, दोनों बंदे अपना अलग अलग चला सकते हैं। ये तो भाई लिमिटेड में ही होता है, क्या खास चीज़ है, खास चीज़ ये है मेरे भाई, ये नहीं मिलता आपको किसी भी वेरिएंट में, स्नो मोड, सैंड मड मोड और ऑटो मोड, ये हो गया। लेकिन जो सबसे खास चीज़ है ना वो ये है भाई, होल्ड, फोर व्हील ड्राइव लॉक, फोर व्हील ड्राइव लॉक, और ये आपका हिल डिसेंट कंट्रोल। गियर नॉब आप देखोगे तो ठीक ठीक लगता है, ह्यूंडई का ज्यादा प्रीमियम है भाई, आज भी मैं कहूंगा अगर आप ऐसे लो बजट की कार देखते हो तो आप हैंड ब्रेक दबा के इसको वो भी आगे पीछे भी कर सकते हो, ये न्यूट्रल हो गई, ये ड्राइव पे हो गई, मैनुअल कर चलानी है तो ऐसे आप चला सकते हो, लेकिन इसको हम पार्किंग में लगा देते हैं, गाड़ी अभी ऑफ है ना, सही है भाई। तो ये फोर व्हील ड्राइव का मजा भाई, कहीं भी ले जाओ, पर इसका ग्राउंड क्लियरेंस ना 178 mm में बस,
तो वो थोड़ा सा मेरे को डाउट में डाल देती है कि यार इससे हम कर भी नहीं सकते ज्यादा कुछ, क्योंकि बम्पर इसका बहुत जल्दी टूट जाएगा। अगर 178mm ग्राउंड क्लियरेंस होता क्या है, एक बार खुद सोचो आप। यहाँ पे भी वूफर मिलता है इसका, तो और बढ़िया इसमें आवाज आती है। इलेक्ट्रोक्रोमिक आपको को मिलता है इसका, IRVM यहाँ पे इसकी बड़ी सी सनरूफ मिलती है। जैसे मैं बटन दबाऊंगा तो पूरी पीछे चली जाएगी, बहुत बड़ी सनरूफ है भाई। यहाँ से इसको बंद कर देते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है। यहाँ से आप अपना जो टेलगेट है वो भी ओपन कर सकते हो, देखो अपने आप ओपन हो जाएगा। और यहीं से मैं बटन दबा दूंगा तो वो अपना क्लोज भी हो जाएगा। अगर आप यहाँ ग्लव बॉक्स की बात करते हो तो ये देखिए इतना बड़ा आपको मिलता है, जिसमें कूल्ड आपको ये नहीं दिया गया है। इसका हम बेस्ट हो गया जो कि स्लाइडेबल है ऐसे। अच्छा यहाँ पे आपको देखो एक टाइप सी मिलता है, एक टाइप ए का यूएसबी चार्जर मिलता है, और इस वाले मॉडल में फिर आपकी वायरलेस चार्जिंग भी ऐड हो जाती है। लेकिन एक दिक्कत पता की ये ना बंद भी होनी चाहिए थे अगर टॉप मॉडल है जैसा कि, क्योंकि बहुत डीप है। अगर किसी को नहीं दिखाना कि अंदर क्या पड़ा है तो ये बंद हो जाता है। टाटा नेक्सॉन से थोड़ी सी सीख लेते जीप वाले, अगर हम किस चीज को किससे कंपेयर कर रहे हैं। आई एम सॉरी गाइस, यहाँ पे देखिए आपको ये भी मिल जाता है एक मिरर जो कि लाइट के साथ आता है, लेकिन अभी लाइट नाराज है, जल नहीं रही है। यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे तो दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी लाइट है लेकिन अभी जल नहीं रही है, दोनों की नटखट है। अभी पीछे की तरफ चलता हूँ और पीछे मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है। लेकिन उससे पहले ये जो सीट है ना, ये भी इस वाले वेरिएंट में ऐसी आती है कि आप इसको भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो ऐसे, तो ये लिमिटेड वाले वेरिएंट में नहीं आता है। ये भी एक अच्छा फीचर है अगर आपको अपने फ्रेंड को भी ऐसे सुख देना है। चलिए पीछे चलते हैं और देखते हैं इसका स्पेस वगैरह का क्या हिसाब है। ब्लैक कलर लगता तो भाई अच्छा है। यहाँ पे देखिए इसके एसी वेंट्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं पीछे साइड, यहाँ पे ट्विटर भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और काफ़ी बड़ी सनरूफ है। अच्छा सबसे एक और मेन रीज़न लोगों का ये रहता है इसको ना खरीदने का, मैं आपको बताऊँ यार, ये 5-seater है। वो आप 32-33 lakh रुपए ऑन रोड किसी गाड़ी पे खर्च करोगे और फिर 5-seater तो थोड़ा दुख होता है लोगों को। लोग सोचते हैं यार 10-15 lakh रुपए और जोड़ लूंगा, आराम से मैं फॉर्च्यूनर ले लूंगा, तो ये भी दिक्कतें हैं। आपको एयरबैग मिल जाते हैं भर भर के इसके अंदर। बाकी देखो एल्पाइन 3D सिस्टम की ना यहाँ पे कोई भी ब्रांडिंग इन लोगों ने नहीं कर रखी है। यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट आपको मिल जाता है और पीछे तरफ एक 12 volt का सॉकेट भी, जिससे टायर्स में हवा वगैरह अपने भर सकते हो। चलो ये तो हो गए भाई ऊपर के फीचर। और ये और देखो जैसे ऑन करते तो कंपास लिख के आता है, बड़ा मस्त लगता है। इसमें ना वेंटिलेटेड सीट्स भी आपको मिलती है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से आप स्क्रीन से ही पूरा एसी वेसी सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ से आपको एसी भी मिलता है अपने, अगर आप वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं ये भी और ये भी। अभी कंपास की और चीजें दिखाता हूँ। जैसे हम इग्निशन ऑन करते हैं ना, यहाँ पे देख कितने मस्त लोगो बन के आता है कंपास का। इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, जो मेन चीज है जो इसके ऑफ रोडिंग में काम आएगी वो इसका इंजन कितना पावरफुल है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ से खोल दिया हमने इसका बोनट और देखते हैं टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन जीप कंपास का। भाई ये गाड़ी बहुत भारी है क्योंकि 5-star मिल रखे हैं इसको। ये जीप टर्बो डीजल है, आपको 170 bhp निकाल के देता है। यहाँ पे इंसुलेशन भी आपको मिल जाती है, हैवी गाड़ी। मतलब सेफ्टी वाइज अगर बात करते हो तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट SUVs। तो ऐसी लगती है भाई पूरी की पूरी कार, मस्त है। पर वैल्यू फॉर मनी चीज़ अगर आप देखो ना, अगर आपको 4x4 नहीं लेना तो फिर भाई लिमिटेड ले लो, सबसे बढ़िया है। सारे जरूरत के सारे फीचर उसके अंदर आ जाते हैं, कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जिसके लिए आप ऐसे कहो कि मुझे तो मॉडल एस चाहिए, अनटिल अनलेस यू आर अ फैन ऑफ दिस थिंग 4x4 फोर व्हील ड्राइव लो। ये सारी चीजें आपको केवल इसी टॉप ब्रांड में मिल पाती हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।